राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आज हम अपने कान्हा जी का नवरात्रि स्पेशल 6 डे का श्रृंगार करने जा रहे हैं। तो कात्यायनी माता का श्रृंगार, देखिए उन्हें लाल कलर बहुत ही प्रिय है, तो अपने कान्हा जी का हम लाल कलर में श्रृंगार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें ये कमरबंद पहना देते हैं। ये रेड कलर पे कमरबंद है, इसमें कुंदन लगे हुए हैं, तो यही कमरबंद हम इन्हें पहना देते हैं। ये बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो ड्रेस है, ये ड्रेस हमारे कान्हा जी की फर्स्ट ड्रेस है। जब हमारे कान्हा जी घर पे आए थे, इनका स्थापना हुआ था, तो अपने स्थापना के समय में इन्होंने यही ड्रेस पहनी थी। और ये ड्रेस को ना मेरी मम्मी ने बनाई थी। ये बहुत ही प्यारी ड्रेस है। उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे सजेस्ट किया था कि ऐसी ड्रेस पहनाओ। मैंने एक ड्रेस बना रखी थी, लेकिन वो छोटी हो गई थी इनके लिए। मुझे इनका साइज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतने बड़े होंगे। लेकिन बाद में आए, तो जैसे आए थे, जितने टाइम में स्थापना, तो उतने टाइम में इनकी ये ड्रेस बन गई थी। तो ये देखिए, अब ये हम हार पहना देंगे। ये बॉल चेन है, इस पर लगा के मैंने इसे चोकर हार बनाया। देखिए बहुत अच्छा लगता है। आप समर में सिर्फ एक इसे ही पहनाकर ड्रेस पहना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, समर ड्रेस के लिए समर ड्रेस मैंने कई सारी बना भी ली हैं, बाकी बहुत बनानी भी हैं, और ज्वेलरी भी बना रखी है। सब आपको वीडियो मिलती रहेंगी वन बाय वन करके, आप देखते रहिएगा। अगर आपको और भी कुछ वीडियो चाहिए, अगर आपको कुछ और सजेस्ट करना चाहते हैं जिसे वीडियो आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट करें, हम वो भी ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, ज़रूर आपको वीडियो देंगे। ये देखिए, हम ये एक लॉन्ग हार पहना देते हैं। ये कुंदन का हार है। अब ये देखिए, एक शॉर्ट हार, ये चोकर ही हार है लॉन्ग टाइप में थोड़ा, तो ये भी पहना देते हैं। अभी ये हार भी आपने हमारे लॉन्ग हार के कलेक्शन में देखा ही है, तो चलिए अब हम इसे पहना देते हैं। बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है हमारे कान्हा जी का। तो अब हम इनको पहना देते हैं ये इयररिंग्स। ये देखिए, इयररिंग्स रेड कलर की हैं, ये चोकर की ही हैं, इयररिंग्स हैं, तो इन्हें मैं यही पहना देते हैं। ये बहुत ही प्यारे लगने वाले हमारे कान्हा जी। आज कात्यायनी माता का श्रृंगार है ना। और आपको फ्रेंड्स, अष्टमी के दिन अभी से ही बता देते हैं कि अष्टमी के श्रृंगार में आपको हमारे कान्हा जी का माता रानी का श्रृंगार मिलने वाला है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और रामनवमी के श्रृंगार में हमारे कान्हा जी रामचंद्र जी बनने वाले हैं। मैंने दो चीज़ आपको अभी से बता दी। तो ये देखिए, हम इन्हें चोकर हार पहनाने के बाद इयररिंग्स पहना दी, अभी कंगन भी पहना दी, अब इनको ये तिलक लगा देते हैं। मुझे ये तिलक बहुत ही प्यारा लगता है। ये मुझे तिलक मैंने लिया था, अयोध्या गए थे तब वहाँ से मैंने लाया था इनके लिए। तो अब फ्रेंड्स, हम इन्हें ये पटका इनकी ड्रेस का पहना दे। ये ड्रेस का ही पटका है, तो देखिए पटका हमने ऐसे ही सेट कर दिया, क्योंकि मैं इनको ज्वेलरी पहना दिया था, फिर से उतारना पड़ता है इनका, इसीलिए मैंने इसे ऐसे ही सेट कर दिया। तो ये देखिए, अब इनकी ये भी ड्रेस हो गई। और अब चलिए हम इनको केश लगा देते हैं। ये केश घुंघराले वाले ही केश मैंने आज लगाए इनको। मेरे कान्हा जी के केश बहुत ही सिल्की हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं इन्हें लगाने के बाद। ये केश बहुत ही पसंद आते हैं इन्हें, लगता है तभी ये बार बार इसी को पहनते हैं। अब इनको ये देखिए पगड़ी पहना देते हैं। ये पगड़ी मैंने भी बनाई थी, फर्स्ट टाइम की पगड़ी है। देखिए कितनी प्यारी पगड़ी है, इसे मैंने अपनी ड्रेस की कलेक्शन में आपको दिखाया है। ये दो कपड़े पर एक साथ चल जाती है, कई सारे कपड़ों पर चलती, क्योंकि इसमें ये फ्लावर जो लगे ना, फ्लावर्स कई सारे पे चल जाते कॉन्ट्रास्ट करके। तो देखिए हमारे कान्हा जी का ड्रेस और श्रृंगार इनका सब रेडी हो चुका है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब इनको ये बंसी पहना देते हैं। ये बंसी हमारे कान्हा जी की फर्स्ट जन्माष्टमी की है, जो आए थे उसी के बाद जन्माष्टमी पड़ी थी, तब मैंने ये बनाई थी। बहुत ही प्यारी, बहुत ही हैवी जन्माष्टमी की ये बंसी है। तो देखिए हमारे कान्हा जी का श्रृंगार हो चुका है रेडी, हमारे कान्हा जी पूजा के लिए हो चुके हैं तैयार, तो अभी जाके मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। तो देखिए कैसा लगा आपको श्रृंगार, हमें लाइक कमेंट करके बताइए। आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए राधे।